नमस्कार दोस्तों, इन फोकस सिविल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, लोक सेवा आयोग प्रयागराज के गेट नंबर 2 पर कल यानी 23 तारीख को आयोजित हुए विशाल धरना प्रदर्शन में, जिसे संभवतः उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा जन आंदोलन माना जा सकता है, उसके एक छोटे से प्रतिफल के रूप में शासन के स्तर पर आज एक नोटिस जारी हुई है, जिसे आपके समक्ष लाना बेहद जरूरी है। हालांकि हमारी मांग के अनुरूप नहीं है, हमारी अपेक्षा से बेहद कम है, क्योंकि जिस हिसाब से अभी उत्तर प्रदेश पुलिस को की परीक्षा को बीते अभी एक सप्ताह भी नहीं हुए और शासन स्तर पर इसे निरस्त करने संबंधी नोटिस भी आज जारी की गई, परंतु आरओ की परीक्षा को बीते 2 सप्ताह होने जा रहा है और इस मामले में अभी तक कोई भी ऐसी ठोस कार्रवाई शासन के स्तर पर नहीं की गई। हालांकि अपने इसके कुछ अंतर्निहित कारण भी हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस संबंधित जो आंदोलन कल लखनऊ में संचालित किया गया, वहां पर कई सारे ऐसे बड़े नेशनल लेवल के टीचर्स भी वहां पर सम्मिलित हुए, जिनकी वजह से वहां पर तमाम सारे अभ्यर्थियों का एक हुजूम वहां पर शामिल हो गया और जिसकी वजह से इतना ज्यादा दबाव बन गया कि शासन को त्वरित निर्णय लेना पड़ा। हालांकि प्रयागराज में लोक सेवा आयोग के गेट पर हुए आंदोलन में भी काफी बड़ी संख्या ने वहां पर प्रतिभाग किया, जो निश्चित तौर पर अभूतपूर्व था। हमने 16, 17, 18 वाले भी आंदोलन देखे हैं, उसमें इतनी बड़ी संख्या में प्रतिभागी नहीं शामिल हुए जितनी कि कल हुए। लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि कोई भी ऐसा टीचर, विशेषकर जो ऑनलाइन टीचर्स हैं, वो वहां पर नदारद थे, जिनकी वजह से मुझे लगता है कि यदि वो अगर शामिल होते तो यहां पर अभ्यर्थियों का हुजूम और भी ज्यादा होता, ठीक उसी प्रकार से जैसा कि लखनऊ में कल था, वैसा ही नजारा कुछ लोक सेवा आयोग में भी होता। हालांकि अभ्यर्थियों ने अपनी स्तर पर काफी जुझारूपन दिखाया, और लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि जिन स्टूडेंट्स से ही हम कोचिंग वालों का आधार तय होता है, हमें जरूरी है कि हम लोग कमरे में बैठ करके सॉल्यूशन ना बताएं, बल्कि सड़कों पर उन स्टूडेंट्स का साथ दें। क्योंकि जब मैं वहां पर गया तो मैंने उस चीज को महसूस किया कि एक स्टूडेंट जो सड़क पर अपनी मांग रख रहा है बिना कुछ खाए पिए सुबह से लेकर रात में 12 बजे तक, निश्चित तौर पर वह बेहद कठिन है। इस बात को मैंने खुद महसूस किया। ऐसा नहीं है कि हम लोग भी कोई फ्री बैठे रहते हैं, हम लोग भी यहाँ से 300 किलोमीटर की ड्राइविंग करने के बाद और इवन रात में 650 किलोमीटर ड्राइविंग करने के बाद भी यहाँ पर आ करके और पीसीएस के लिए मैटर रात में तैयार किया, उसके बाद सोए हम लोग। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी फालतू बैठा रहता है, बस इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ प्रायोरिटीज। अगर प्रधानमंत्री भी किसी कार्यक्रम में शिरकत करने जाते हैं, कोई शादी पार्टी फंक्शन में जाते हैं, तो चले जाते हैं, उनके पास भी इतना समय तो होता ही है। ये महज प्राथमिकताओं की बात होती है कि हम किस तरफ खड़े रहना चाहते हैं। कमरे में बैठकर ट्वीट ट्वीट खेलते रहना हमारे ख्याल से कोई ऐसा निदान नहीं है, जबकि आपके स्टूडेंट्स जिनसे आपका आधार तय होता है, वो सड़कों पर घूम रहे हैं अपनी जायज मांगों को पूरा करने के लिए। हम लोग तो बहुत एक छोटे से संस्थान है, हम लोग बहुत एक छोटा सा चैनल रन करते हैं, लेकिन फिर भी जब मैं वहां पर गया तो तकरीबन 60-65 लोग ऐसे मिले जो कि मुझसे मिलने आए, यानी उन लोगों ने मुझे उस भीड़ में भी पहचान लिया, जो मेरे लिए निश्चित तौर पर बेहद ही हर्ष और गौरव का विषय है। लेकिन सोचिए कि जब कोई बड़ा चैनल, कोई बड़ा टीचर वहां पर शामिल होता तो फिर क्या नजारा होता, तब फिर कितने सारे लोग उनके आग्रह पर पहुंचते। केवल एक मैसेज के माध्यम से आग्रह कर देना कोई आग्रह नहीं होता, कोई समर्थन नहीं होता। हमें खुलकर समर्थन करने की आवश्यकता है, जैसा कि विवेक सर ने, एग्जामपुर वाले विवेक सर ने पुलिस के मामले में किया, जैसा कि नवीन सर ने किया, वैसा ही कुछ हम लोगों को भी करने की आवश्यकता थी। यह बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है, शर्मनाक है। वहां पर बच्चे कुछ एक मुझसे पूछ भी रहे थे कि टीचर्स की तरफ से तो कोई भी ऐसा नहीं सामने आया। हमें यह सोचना होगा कि क्या यह ठीक है कि स्टूडेंट्स को उनकी मांगों के साथ में छोड़ दिया जाए, जबकि आप लोग तमाम सारा पैसा उनसे कमाते हैं और फिर भी उनको इसी प्रकार से छोड़ दिया जाए। हमारी दौलत, हमारी शोहरत, सब कुछ स्टूडेंट्स ही हैं, इसलिए जरूरी है कि हम लोग उनके साथ में खड़े रहें। दे रहा है आदमी का दर्द जब आवाज दर्द, हम रहे चुप तो कहो सारा जमाना क्या कहेगा। बदतमीजी कर रहे हैं आज फिर भौरे चमन में, साथियों आंधी उठाने का जमाना आ गया है। अभी भी यह री एग्जाम मूवमेंट पूरा नहीं हुआ है, अभी भी जरूरी है हम लोगों का समर्थन, और यदि अभी भी हम टीचर्स लोग इनका सहयोग नहीं कर सके, जो स्टूडेंट्स वहां पर आयोग के गेट पर लगातार धरना दे रहे हैं, रात के 12 बजे तक धरना दे रहे हैं, तो वास्तव में यह बेहद ही शर्मनाक है।
मैं आप सभी से अपील करता हूं, मैंने पहले भी बहुत ज्यादा आग्रह किया था परंतु कोई उसका बहुत ज्यादा असर मुझे नहीं देखने को मिला। मैं फिर से आग्रह करता हूं कि आप लोग समर्थन दीजिए, खुल कर दीजिए, डरने की आवश्यकता नहीं है। यह न्याय की बात है जिस पर हम लोगों को काम करना बेहद जरूरी है। ये यहां पर एक जो नोटिस दी गई है जिसके संबंध में यह ओरिजिनली वीडियो होना चाहिए था, पर चूंकि कुछ बातें बुरी लगती हैं इस वजह से बोलना जरूरी हो जाता है, और वो बल्कि बोलना नहीं, वो अपने आप मुंह से निकल जाता है। और मैं माफी चाहता हूं अगर कोई भी किसी को भी मेरी कोई भी बात से ठेस पहुंचा हो, मेरा किसी के भी खिलाफ व्यक्तिगत रूप में, व्यक्तिगत किसी संस्थान के ऊपर कोई ऐसा मैं आरोप नहीं मरना चाहता हूं। मैं किसी को भी इसमें नहीं शामिल कर रहा हूं, बस कुछ मनोभावों के प्रस्फुटन इसे आप समझ लीजिए। खैर देखिए यहां पे क्या नोटिस है कि उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक अनुभाग द्वारा यहां पर एक नोटिस जारी की गई है कि जो 11 फरवरी को लोक सेवा आयोग द्वारा समीक्षा अधिकारी की परीक्षा आयोजित की गई थी, उस संबंध में आपको साक्ष्य यदि किसी के पास है कि इसमें कुछ अनियमितता बरती गई है तो उसे आप 27 फरवरी तक इस ईमेल आईडी पर उपलब्ध करा दें। ध्यान रखिएगा ऐसी जांच पहले से ही आंतरिक समिति गठित की गई, एसटीएफ भी जांच कर रही है, मॉनिटरिंग कमेटी भी है, उसके बावजूद भी यहां पर एक साक्ष्य के लिए यह चीज मांगी गई है जो अपने आप में इस बात का इशारा करती है कि ये जो आंदोलन आप लोगों ने खड़ा किया है ये उसी का असर है कि शासन भी अपने स्तर पर इसे मांग कर रहा है। इसके महत्व को समझिएगा, इसे केवल यूं ही एक पेज ना समझ लीजिएगा। जबकि जांच ऑलरेडी चल रही है उसके बाद भी शासन ने अगर इसे मंगाया है तो इसका मतलब है कि शासन इस मामले में गंभीर है, बैकफुट पर है, वो इस मामले पर लगातार अपनी नजर बनाए हुए है। और इस वजह से यदि हम लोग जो भी आपने साक्ष्य अभी लोक सेवा आयोग को भेजे हैं वो सीधे उन तक भेजिए जो अंततोगत्वा निर्णय लेते हैं, और वहां पे यदि आप भेजेंगे तो यहां पर त्वरित कार्रवाई भी हम लोगों को देखने को मिल सकती है। हालांकि आप इसे यूं समझिए कि जब से ये पुलिस का पेपर लीक हुआ है, सॉरी निरस्त हुआ है, तब से आप ये मानकर चलिए कि आरओ का भी री एग्जाम होने की लगभग पूरी संभावना है और जो कैंसिलेशन का प्रोसेस है वो अपने अंतिम चरणों में है। परंतु फिर भी अभी भी यह मूवमेंट जारी ही है और इस वजह से हम लोग एक संस्थान होने के नाते इस मूवमेंट को पूरा समर्थन देते हैं, और साथ ही साथ अन्य कोचिंग चैनल्स से भी यह आग्रह करते हैं कि वो लोग भी इसे पूरा समर्थन दे और यहाँ पर जो भी ऐसे साक्ष्य हैं वो 27 तारीख तक उपलब्ध करा दें। पेपर का री एग्जाम लगभग तय है होना, क्योंकि जो साक्ष्य मौजूद हैं वो अपने आप में पर्याप्त हैं जो ऑलरेडी भेजे जा चुके हैं। एक बार यदि शासन के स्तर पर भी भेज दिया जाएगा तो वह कार्य और भी जल्दी हो सकता है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देना चाहूंगा, कुछ यदि मुंह से गलत निकल गया हो तो उसके लिए माफ कीजिएगा। धन्यवाद।